नमस्कार, मैं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नवाबगंज उर्दू बाजार में मनाया गया फतेह शाह बाबा का सालाना उर्स। नवाबगंज में उर्स के मौके पर देखी गई गंगा जमुना तहजीब, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की और जिले के अतराब से आए हुए कई जिलों के जायरीन हजारत ने बाबा की मजार पर आकर चादर पेशी की, मन्नतें मांगी और एकता अखंडता भाईचारे का संदेश दिया। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम विवाद चरम पर है, वहीं दूसरी जगह लोगों ने गाजीपुर जिले में इंसानियत का सबूत दिया। आपको बताते चले कि नवाबगंज के फतेह शाह बाबा का उर्स 2 नवंबर को मनाया जाता है और यहां के गद्दी नसीन हजरत बखूबी अंजाम देते हैं। यह प्रोग्राम सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान खानी की गई याद नमाज असर चादर पेशी की गई बाद नमाज ईसा मिलाद उन नबी का 3 एकात किया गया, जिसमें आली ने दिन हजरत ने बुजुर्गो औलिया इकराम अल्लाह के वालियों के शान में कसीदे पढ़े, उनकी सीरत बयान किया और नात खाओ ने अपने नातिया कलाम से लोगों के दिलों में मुस्तफीज किया। बाद नमाज ईसा कवाली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कवालों ने खूब जमकर कवाली पेश की। जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? किसी ने दौड़ पर चढ़कर फलाफिर हजार, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? अगर मूसा नबी ने दूर में अल्लाह को देखा, अगर मूसा नबी ने दूर में अल्लाह को देखा, अगर मूसा नबी ने दूर में दोलिया से हैं और ये सबको हम प्रेम से मानते जानते हैं और महाराज जी मेरे बुलाते हैं। हम महाराज जी, ये उर्स कब से हो रहा है? ये कब से आप देख रहे हैं इसको? ये तो हम करीब 6-7 साल से देख रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आप भाईचारे की तरह से आप यहाँ बैठे हैं और लोगों के साथ आपका जो हुजूम बैठा हुआ है और आप लोगों के साथ हैं, तो क्या मतलब क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे आप जनता को? संदेश यही देंगे कि हर साल इसी तरह उर्स होता रहे और हम लोग आते रहें, सबको दुआ आशीर्वाद देते रहें। आपसे क्वेश्चन करेंगे बाबा, जो है आज के तौर में जो है राम मंदिर का ज्यादा मुद्दा उठा हुआ है और देखा जा रहा है कि सभी हिंदू भाई मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर उस मना रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना है? जो लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे, हम लोग जो करना है करते रहे।